किसान भाइयों, कपास, कॉटन यानी कि निरमा की फसल में फिलहाल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का समय है, यानी कि फल और फूल बन रहे हैं, वो भी बहुत अधिक मात्रा में। और ऐसी कंडीशन में किसी भी पौधे को पूरी खुराक की आवश्यकता पड़ती है, खाद की जरूरत होती है, जिसको हम इस समय पर स्प्रे के द्वारा दे सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है स्प्रे के द्वारा खाद की पूर्ति करने का, और वो भी बिल्कुल कम खर्च में। दलाल घोल के द्वारा हम पौधे को खुराक दे सकते हैं इस समय के ऊपर। दलाल घोल कैसे बनता है, ये तीन टाइप से आप बना सकते हैं। पहली टाइप्स के बारे में, जिसमें हम यूरिया के साथ में डीएपी और जिंक लेते हैं, इसके बारे में पिछली वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको डिटेल में दे चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिलेगा, आप जरूर देखें तो ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में हम दलाल घोल की सेकंड और थर्ड टाइप्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि यूरिया के साथ में और जिंक के साथ में आप मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हैं और पोटाश भी ले सकते हैं, जिसके बारे में पूरी मात्रा और इसका क्या बेनिफिट है, कौन सी स्टेज पर किस कंडीशन में कौन सी खाद लें, कौन से दलाल घोल का स्प्रे करें, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दलाल घोल बनाने का पहला तरीका है यूरिया और जिंक के साथ में डीएपी का घोल बनाकर हम छिड़काव करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये दलाल घोल की पहली स्प्रे रहती है ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए। नॉर्मल कंडीशन में हम इस स्प्रे को कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। दूसरा तरीका है यूरिया और जिंक के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, और ये किस कंडीशन में आपको लेनी है, जब फसल की बढ़वार ना हो रही हो, पत्तों में पीलापन हो, उस समय पर ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये यूरिया और जिंक के साथ में मिलाकर स्प्रे करने से बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट मिलता है। पत्तों के मुरड़िया रोग में भी विशेष रूप से लाभदायक है, मुरड़िया रोग को भी ये जो है ठीक कर सकती है। और इसको यदि हम बात करें कि कैसे बनाएं, तो इसकी डोज की मात्रा की बात करें तो यूरिया 2.5 किलोग्राम, जिंक यदि आप 21% वाला लेते हैं तो 500 ग्राम, क्योंकि इसमें डीएपी नहीं है तो 21% वाला जिंक भी इसमें कोई जो है विपरीत रिएक्शन नहीं करेगा। और यदि आप 12% वाला चिलेक्टेड जिंक लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है, 100 ग्राम आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। और इसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम आप ले सकते हैं 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ में। इन तीनों खाद का अलग अलग घोल मिलाकर जब आप स्प्रे करते हैं तो तुरंत इनको मिलाकर 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ में 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर दें, इसका छिड़काव कर दें। तो इसका ये तो हुआ दूसरा तरीका। दलाल घोल बनाने का तीसरा तरीका है आप इसमें पोटाश ले सकते हैं। इसको आप फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर करते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, फूल और फल बनते समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, ये तरीका अपना सकते हैं, जिसमें आप यूरिया और जिंक के साथ में एमओपी यानी कि पोटाश लेते हैं। और ये सबसे अच्छा रहता है, पौधे की ग्रोथ करता है इस टाइम के ऊपर, फल और फूल झड़ने इससे कम होते हैं, और आपके जो फ्रूट बनते हैं टिंडा और बोल बनती है कपास में, उसमें चमक आती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है रुई की, और वजन बढ़ता है, वजन बढ़ेगा तो आपका उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसकी डोज की यदि हम बात करें तो इसमें यूरिया आपको 2.5 किलोग्राम लेनी है, जिंक 21% वाला लेते हैं तो 500 ग्राम, 12% वाला चिलेटेड जिंक लेते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, 100 ग्राम आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ में एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश जो 60% में आती है उसको आप 1 किलोग्राम ले सकते हैं, वही 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ में इनको मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करें, इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, दलाल घोल से पौधे को खुराक मिलती है, और पौधे को यदि खुराक है तो पौधा मजबूत होगा, उसमें कीटों का प्रकोप भी कम होगा, यदि बीमारी आती है कीट आते हैं तो भी उसमें नुकसान कम होगा, वो उनके नुकसान को झेल सकता है यदि पौधा मजबूत होगा तो। और आप दलाल घोल का स्प्रे 7 से 10 दिन के बाद में दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, 2-3 स्प्रे आप इसके कर सकते हैं, इससे फसल का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ता है। और आप इसका स्प्रे अपनी फसल में जरूर करें, क्योंकि इसका खर्च ज्यादा नहीं आता है। दूसरी खाद की यदि हम बात करें, यदि आप एनपीके भी डालते हैं तो ये एनपीके से भी सस्ता पड़ता है। इस प्रकार से आप दलाल घोल को 2 प्रकार से और बना सकते हैं, जिनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ये आपकी जिम्मेवारी है। और इसी प्रकार की वीडियो लगातार देखने के लिए आप डियर किसान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार।